हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट्स गुरुजी। आज हम डिस्कस करेंगे नियोजन केमिकल्स कंपनी के बारे में। ये इंडिया से लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रोमाइन बेस्ड और लिथियम बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करता है। और कंपनी का जो शुरुआत हुआ था ये 1991 में महापे नवी मुंबई से स्टार्ट किया था कंपनी ने। और करंटली कंपनी अराउंड 198 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें अराउंड 181 ऑर्गेनिक केमिकल्स है और 17 इनऑर्गेनिक केमिकल्स। और कंपनी ये जो इनका जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ये जो मैन्युफैक्चर करता है केमिकल्स का, इसके अलावा कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करता है। और कंपनी वेरियस इंडस्ट्रीज़ को कैटर करता है, जैसे फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, एग्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल, स्पेशलिटी पॉलीमर, एरोमा केमिकल, कंस्ट्रक्शन केमिकल, ये सारे इंडस्ट्रीज़ को ये कैटर करता है। और कंपनी का जो कस्टमर बेस है अराउंड 1363 कस्टमर्स है टोटल, और उसमें से अराउंड 1237 डोमेस्टिक कस्टमर्स है और अराउंड 126 इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं। और कंपनी का जो मेजर कस्टमर्स है, जैसे ऑस्टिन केमिकल, सीबीसी कंपनी, डीवीएस लेबोरेटरीज, सॉल्वे स्पेशलिटीज, थर्मैक्स और वोल्टास जैसे कंपनियों को ये अपने प्रोडक्ट सेल करता है। अब देखते हैं कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसमें ग्रोथ कैसे हुआ है स्टार्टिंग से। देखिए 1996 में 12, 2001 में 20, 2016 में 156 और अराउंड 2018 में 189 प्रोडक्ट्स है कंपनी के। और अब देखते हैं ब्रेकअप ऑफ करंट कैपेसिटी पर एनम कैसा है। जैसे कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है महापे और वडोदरा में, इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स का प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया है इनका कैपेसिटी कितना अभी राइट नाउ है। और कंपनी के दो फैसिलिटीज़ आ रहे हैं दहेजी में और वडोदरा में, जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यहाँ पर दिया हुआ है इनऑर्गेनिक केमिकल्स का कितना है और ऑर्गेनिक केमिकल्स का कितना है। अब देखते हैं ब्रेकअप ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। जैसे ऑर्गेनिक केमिकल्स से अराउंड 65% का रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और इन ऑर्गेनिक केमिकल्स अराउंड 35% का रेवेन्यू आता है। अब देखते हैं कंपनी के लिए पॉजिटिव्स क्या क्या है। जैसे कंपनी का कुछ एक्सपेंशन प्लान्स है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में, इनऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है इसका जो फैसिलिटी आ रहा है, जिसमें अराउंड 12 लाख kg पर एनम का प्रोडक्शन होगा, जिससे क्या इनका जो इनऑर्गेनिक केमिकल का है कैपेसिटी ये डबल हो जाएगा। और उसके अलावा जो प्रोडक्शन डिक्लाइन जो हो रहा है चाइना में, जो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो प्रोडक्शन डिक्लाइन है, इसका इस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। और उसके अलावा कंपनी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो पोर्टफोलियो है ये जो स्केल अप करना चाहता है, और इसके लिए कंपनी ने वेजर्स यूरोपियन और जैपनीज कंपनीज के साथ करार किया हुआ एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसका बहुत जल्द ही कंपनी को इसका लाभ हो सकता है। अब देखते हैं वैल्यूएशंस ऑफ पीयर ग्रुप कंपनीज। जैसे नियोजन केमिकल्स के कुछ पीयर ग्रुप कंपनियां जैसे आरती इंडस्ट्रीज, अतुल इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोराइन, पोषक और विनति ऑर्गेनिक्स है, ये सारा डिटेल्स दिया है कि उनका अभी राइट नाउ रिटर्न ऑन नेटवर्क कितना है, EPS कितना है, NAV कितना है, सारा डिटेल्स दिया हुआ है। अब देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल्स के बारे में। FY14 में कंपनी का जो रेवेन्यू था अराउंड 80 करोड़, FY15 में 92 करोड़, FY16 में 109 करोड़, FY17 में 121 करोड़, FY18 में 164 करोड़ और अप टू टू दिसंबर 31 दिसंबर 2018 अराउंड 159 करोड़। और इनका जो नेट प्रॉफिट है FY14 में था अराउंड 3.6 करोड़ और लगातार इसमें बढ़ोतरी हुआ है। FY18 में अराउंड 10.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और अप टू 31 दिसंबर 2018 अराउंड 12.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और इनका देखिए EPS FY18 के हिसाब से बैठता है अराउंड 5.25, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अराउंड 20.97% और NAV अराउंड 25.03 का आता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए, जहाँ पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।